द्वारका में है ये भड़केश्वर महादेव, जो अरब सागर में स्थित है। अरब सागर के एकदम किनारे पर ये आप देख सकते हैं, मैंने मैप में भी दिखाया है, एकदम अरब सागर से घिरे हुए ये भड़केश्वर महादेव है। अब तो बहुत अच्छा रास्ता भी बना दिया है, पर पहले तो ये महादेव जी काफ़ी हाइट पर है, तो पानी पर फिर भी समुंदर का पानी मंदिर तक आ जाता था। अब तो ये पूरा पाथवे कर दिया है, और एकदम जो द्वारका का 5000 साल पुराना इतिहास है उसका साक्षी ये अरब सागर, और बहुत सुंदर नज़ारा है यहाँ भड़केश्वर महादेव से। तो जबी भी आप द्वारका आए ज़रूर यहाँ पर आइएगा, बहुत प्राचीन मंदिर है, बहुत ऐतिहासिक ये भड़केश्वर महादेव का मंदिर है। लाइट हाउस है यहाँ पर पास में ही, ये देखिए महादेव जी, भड़केश्वर महादेव, और समुंदर का नज़ारा भी इतना सुंदर दिखता है यहाँ से, समुंदर की लहरें। और यहाँ से किनारे किनारे अगर आप थोड़ा सा आगे निकलते हैं तो बीच भी है, यहाँ से यहाँ बीच नहीं है, आप ऐसे दूर खड़े रहकर ही समुंदर को देख सकते हैं, पर सुकून लगता है समुंदर की लहरें उछलती कूदती देखना। और सूर्यास्त का ये समय है, तो आप देखिए कितना अच्छा, और समुंदर की लहरें कूदती हुई, अद्भुत नज़ारा है ये। यहाँ पर आकर बैठने से ही इतनी शांति की अनुभूति होती है, समुंदर अपने आप में ही शांत कर देता है व्यक्ति को। और साथ में बैठे हैं भड़केश्वर महादेव, तो महादेव का आशीर्वाद और समुंदर का नज़ारा, अरेबियन सी, अरब सागर के, ये देखिए एकदम समुंदर पास में ही है। ये तो अब अच्छा सा पूरा स्ट्रक्चर खड़ा किया है जिसके कारण समुंदर की लहरें अंदर नहीं आती है, पर आज से 8-10 साल पहले तो ये पूरा मंदिर को घेर लेती थी समुंदर की लहरें, इतना पानी यहाँ पर आ जाता था। आप ज़रूर जब द्वारका आए तो ये भड़केश्वर महादेव ज़रूर पधारिएगा, बहुत ही प्राचीन मंदिर भी है और यहाँ से समुंदर का नज़ारा भी बहुत ही सुंदर व्यू है, सुंदर दिखता है। ज़रूर मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट ज़रूर करिए।